गैजेट्स 360 की वेब सीरीज टेक आपकी जुबान में आपका स्वागत है। दरअसल स्मार्टफोन मार्केट में जुमलेबाजी का बहुत अहमियत रखती है। आज के दिनों में आप फुल व्यू स्क्रीन, फुल विजन स्क्रीन, इन्फिनिटी डिस्प्ले, इस तरह की जुमलेबाजी बहुत सुन रहे हैं स्मार्टफोन मार्केट में। दरअसल ये है क्या, इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ केतन प्रताप हैं। तो सबसे पहले केतन से पूछते हैं, क्या फीचर है ये फुल स्क्रीन व्यू? देखिए, पहले तो इन्फिनिटी डिस्प्ले एक ऐसा टर्म है जिसको सैमसंग ने पहले यूज़ किया। ये हर कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। इन्फिनिटी डिस्प्ले बेसिकली इज आपका ज़्यादा स्क्रीन स्पेस और कम बेजल। अब जैसे इसको बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे ये आईफोन 7 प्लस को आपको देख के, यहाँ और यहाँ आपके बेजल्स हैं। अगर आप सीधा LG Q6 पे आते हैं तब आपको समझ में आता है कि बेजल्स जब कम हो जाते हैं यू गेट मोर स्क्रीन स्पेस। नाउ इसी को कंपनीज अपने टर्मिनोलॉजी में यूज़ करती है, इन्फिनिटी, फुल व्यू, फुल स्क्रीन। सो ये कोई मतलब जुमलेबाजी नहीं है, ये समझो आपने अपने एक खास किस्म का ब्रांडिंग कर दिया। मतलब शुरुआत में ये कि एक डिस्प्ले फीचर है, डिस्प्ले पहले की तुलना में थोड़ा सा अलग हो गया। देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी ये है कि डिस्प्ले हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है मोबाइल फोन्स का। और अब मुझे बहुत खुशी होती है ये कि जब आप फ्रंट पैनल को आप देखते हो, पहले जनरली आप पुराने फ़ोन्स या बजट एंड्रॉयड फ़ोन्स को देखोगे तो उनमें बेजल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी जाती थी, जिसका कोई यूज़ होता नहीं था, खासकर एंड्रॉयड फ़ोन्स में, क्योंकि अगर यहाँ पे जब तक फिंगरप्रिंट आया नहीं था ये जगह बिल्कुल अनयूज थी। तो मतलब आप डिज़ाइन तो अच्छा दे रहे थे बट उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। बट इस टाइप के डिज़ाइन से आपके पास बेस्ट है कि इस स्क्रीन साइज में सबसे अच्छी चीज़ है कि वीडियोज़ आप बहुत प्यार से देख सकते हैं, वो मेरे ख्याल से बेस्ट यूज़ केस है इस डिस्प्ले साइज का। तो क्या ये इम्प्लीमेंटेशन हार्डवेयर पार्ट पे है या सॉफ्टवेयर पार्ट पे है? हार्डवेयर से ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखिए, हार्डवेयर तो होगा ही, अगर आपका सेक इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो हम डिज़ाइन में शायद मिस कर जाएं तो मैं सोच रहा हूँ वो मेंशन पहले कर दें। जब हम स्क्रीन साइजेस की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि फ़ोन्स धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। पहले आप 3-5 ऐसे इंचेस के देखते थे, अब जनरली एक नॉर्म बन गया कि 5.5 इंच का जो स्क्रीन साइज है इज अ स्टैंडर्ड फॉर फोन्स। अगर आप 10,000 के फोन से स्टार्ट करते हैं तो जब तक 5.5 इंच का स्क्रीन ना हो लोग भी कहते हैं अरे यार स्क्रीन छोटी है। बट जैसे ही आप 18:9 एस्पेक्ट रेशियो पे आते हो, जिसका मतलब है कि स्क्रीन ज्यादा और बेजल्स कम, इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका स्क्रीन साइज बढ़ जाता है। अगर मैं, क्योंकि ऑनर 9i बिल्कुल हाल फिलहाल का फोन है, मैं उसी से शुरुआत करूंगा। उस फोन को अगर आप देखोगे वो 5.5 इंच की बॉडी है, कंपनी भी ये बोलती है। अगर बॉडी आप देखो तो एक 5.5 इंच फोन की बॉडी है बट वो एक्चुअली 5.9 इंच है। कुल मिला के फोन पहले की तुलना में ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया और स्क्रीन ज्यादा मिल गया। जैसे ये 5.5 इंच का फोन है डिस्प्ले, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे कभी भी 5.5 इंच वाले फोन का एहसास नहीं देता, जबकि इससे पहले मैं मोटो एक्सप्ले इस्तेमाल करता था, इसी डिस्प्ले साइज का फोन था। तो उसकी वजह थी बेजल ज्यादा चौड़ा था उसका और ये फोन थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट है। एक चीज मैं कितना आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक Xiaomi Mi Mix 2 को जब लॉन्च किया गया तो उस दौरान एस्पेक्ट रेशियो वाली बात पर उन्होंने जोर दिया था। इसपे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि गूगल अब काम कर रहा है एस्पेक्ट रेशियो पे। देखिए, जब आप ऐप टू ऐप डिफर करते हैं, जैसे यूट्यूब एप्स, शायद जिनको नहीं पता उनके लिए बताना जरूरी है कि 16:9 एक स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो था जो कंपनीज फॉलो करती थी। ये 16 तक बहुत स्टैंडर्ड रहा है, 17 के बाद से प्रीमियम फोन्स इसको चेंज करना शुरू कर चुके हैं। पहला फोन जिसने ये बदला वो था LG G6। एग्जैक्टली अगर हम बोले तो 18.5:9 रेशियो एग्जैक्टली था, हम नॉर्मली उसको 18:9 बोल देते हैं। तो उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी S8 और उसके बाद तो आपके पास देखिए लंबी लिस्ट है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अब ये बजट फोन का भी हिस्सा है ये फीचर। हाँ, तो गूगल ने अब ये चीज कमिट कर दी है कि दे आर मेकिंग एप्स जो कि एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से वो ऑप्टिमाइज करेंगे। अच्छा, तो जब भी आप कंटेंट इस फोन पे देखिएगा तो बहुत बारी होगा कि आप अपसाइजिंग और स्केल डाउन करने टाइम आप देखोगे कि अरे ये क्या हो रहा है, तो वो चीजें हट जाएंगी क्योंकि गूगल इज नाउ वर्किंग ऑन इट। सो इट्स अ गुड थिंग। अब चूंकि पिक्सल खुद भी एक 18:9 पे आ गया है, सो आप ये मान के चलिए कि ये चीज आपको अब आगे के ट्रेंड में और ज्यादा दिखेगी। शुरुआत में जब इस फीचर को लॉन्च किया गया था जब, तो ये प्रीमियम फोन हेडफोन प्रीमियम फोन का हिस्सा हुआ करता था, LG G6, सैमसंग गैलेक्सी S8, S8 प्लस, और आज की डेट में गूगल पिक्सल और इस सारे फोन भी है। लेकिन LG ने एक कोशिश की, वो इस फीचर को मिड रेंज सेगमेंट में लेकर आई। माइक्रोमैक्स ने भी किया। हाँ, माइक्रोमैक्स तो इन्होंने वाकई में 10,000 से नीचे के फोन में इस फीचर को दे दिया, माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी फोन। तो मतलब ये तकनीक ऐसा नहीं है कि आम आदमियों की पहुंच से दूर है, सिर्फ एस्पेक्ट रेशियो बदला है। और एक और अच्छी बात ये है कि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, कोई इनोवेशन नहीं है बट एक नया फीचर है जो कि डिस्प्ले, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई फोन लेने जाते हैं डिस्प्ले इज दी बिगेस्ट फीचर जो आप ढूंढते हो। अरे भाई, मेरा स्क्रीन बहुत अच्छा चाहिए मुझे क्योंकि मैं दिन भर उसी स्क्रीन को देखूंगा,
ये चीज़ होती थी। तो अब मान के चलिए कि आप बजट में भी ये चीज़ें देख पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। इसका बेस्ट यूज़ केस है जब आप इसको लैंडस्केप मोड पे यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन स्पेस होता है। ये देखिए संदीप, जिनको बहुत लंबा सफ़र करना होता है ऑफिस के लिए, घर के लिए, उनके लिए ये डिवाइसेज जो 18:9 है या 18:5:9 है, वो बेस्ट डिवाइसेज हैं, क्योंकि इसमें आपका मल्टीमीडिया और वीडियोस आपको बहुत मज़ा देगा। अपना स्पीकर ईयरफोन्स लगाइए, प्लग करिए, एंड यू कैन एन्जॉय। उम्मीद है कि आप फुल स्क्रीन व्यू जो हम जिसके बारे में आप लोग को बता रहे थे समझ गए होंगे कि आखिरकार ये फीचर क्या है। अगली बार फिर इसी तरह से किसी रोचक टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद की तरफ।